नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सफलता की उड़ान में आपका स्वागत करती हूं। आज हम हल करेंगे UGC नेट परीक्षा दिसंबर 2015 का सेकंड प्रश्न पत्र। और आप चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, यह पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, तो इनका संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश का। तो दुहा छंद, जिसे दोहा भी हम कहते हैं, उसका परिवर्तित रूप दोहा है, दुहा कहते थे अपभ्रंश में, तो वो अपभ्रंश भाषा का छंद है। और प्राकृत भाषा का है गाथा छंद। दुहा और गाथा दो छंद पहले काफ़ी चलते थे हिंदी से, जो पूर्व संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, और उसके अपभ्रंश के से हिंदी का विकास हुआ। तो इस क्रम में प्राकृत में गाथा छंद, ये भी आगे पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ लिख लिया है। और प्राकृत भाषा का छंद है गाथा और अपभ्रंश भाषा का छंद है दोहा। संदेश सवित थरऊ हय कहण असमथ भण पिय इकति बलियह वे भी समाणा हत्र। दोहा किसका है? तो यह अब्दुल रहमान का दोहा है और काव्य है संदेश राशक। देखिए इसमें पहली पंक्ति में पहला शब्द ही है संदेश डव, तो इसी से हम ट्रिक अगर करना चाहें तो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं संदेश राशक। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेहे अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार गुरु नानक। अष्टछाप का कवि नहीं है ध्रुवदास। ध्रुवदास अष्टछाप के कवि नहीं है। देखिए अष्टछाप भक्ति काल में विट्ठल नाथ द्वारा स्थापित किया गया था। अष्टछाप के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा के 8 कवियों को लेके उन्होंने अष्टछाप की स्थापना कर दी थी। इसमें 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे और 4 शिष्य बल्लभाचार्य के थे। बल्लभाचार्य विट्ठलनाथ के कौन थे? पिताजी थे और सूरदास के गुरु भी थे। ठीक है, और सूरदास के गुरु थे और विट्ठलनाथ के पिताजी थे। तुम नीके दुही जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लाग और तिराए तिहारे पैया, के रचनाकार परमानंद दास। हनुमान चरित्र के रचयिता रायमल पांडे, और 1696 ईस्वी में ये लिखा गया था, और इसके रचयिता हैं रायमल पांडे। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? मतिराम का। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित के वो खेल करी जानो है। किसकी पंक्ति है? ठाकुर की। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल का नहीं है। रस कलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। पंक्तियाँ किस कवि की? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ? ठीक है, तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों का समूह हूँ। तो यह सूर्यकांति त्रिपाठी निराला। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। पंक्तियाँ किसकी हैं? रघुवीर सहाय की हैं। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रघुवीर सहाय की हैं। किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मरजानी, कृष्ण सोबती की रचना है मित्रों मरजानी, और इसको स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाले शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है, इस दुरासा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संबंध पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की है? स्कंद गुप्त की। और यह किसने कही? मातृगुप्त उसमें कवि के रोल में है, तो उन्होंने ये कही। ठेस कहानी के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। कवि और कविता नामक उनकी जो रचना है उसमें यह कथन कहा गया है। कौन सी कृति आई ए रिचर्ड्स की नहीं है? कल्चर एंड अनार्की। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम दोहाकोश, श्रावकाचार, संदेश राशक, कीर्तिलता। और कवियों का सही क्रम कौन सा है ये हम देखते हैं। कुतुबन, उस्मान, काशिम शाह और नूर मोहम्मद। काव्य कृतियों का सही क्रम ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद।
जन्म काल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही क्रम इंदुमती, उसने कहा था कफन और मक्रील। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पत्रिकाओं का सही क्रम सारिका, आजकल, समकालीन भारतीय साहित्य, नया ज्ञानोदय। प्रकाशन काल भीष्म के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम हानुष, मुआवजे, आलमगीर और माधवी। प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों का नाटकों का सही अनुक्रम बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रचि राखा, नेपथ्य राग। रचनाओं का सही अनुक्रम संपत्ति शास्त्र, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, साहित्यालोचन, संस्कृति के चार अध्याय। ग्रंथों का सही अनुक्रम काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। श्री संप्रदाय की स्थापना की थी रामानुजाचार्य ने। रुद्र संप्रदाय की विष्णु स्वामी ने। सनकादि संप्रदाय की निम्बकाचार्य ने। राधा बली वल्लभी संप्रदाय की श्री हित जी ने। चिंतामणि की रचना है काव्य प्रकाश। मतिराम की है रसराज। भूषण की है शिवा वामनी और असलीन की है अंग दर्पण। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र और हमीर रासो शारंग धर। ये कृतियाँ इनकी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा, प्रेमचंद हंस, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती, अज्ञेय की प्रतीक। काव्य और कला तथा अन्य निबंध यह है जयशंकर प्रसाद। शेष स्मृतियाँ रघुवीर साय। मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृत है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, यह कथन किसका है? तो यह है प्रसाद का। होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह माँ शक्ति राम के वदन में हुई लीन। निराला की राम की शक्ति पूजा की यह है। मौन ही अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अज्ञेय परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ है वह। तो यह पंक्तियाँ जो है यह मुक्ति बोध की हैं, है ना। पर्णदत्त किसका पात्र है? स्कंदगुप्त का। है रूप किसका पात्र है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। ओकाक का नाटक का पात्र है माधवी और गालव का है कलंकी का पात्र है। निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जोंक उपेंद्रनाथ अश्क। शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास। प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर। पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा। मम्मी मेरे टीवी खा रहा। काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु। रस पीयूष निधि सोमनाथ। रस कलश अयोध्या सिंह। उपाध्याय हरियोद और हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु। देखिए रस कलश उधर भी पूछा है, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है। अगर वो आपको आता है तो यहाँ पे भी आप आराम से मैच कर लेंगे। नेट की एक बात है, जो इसकी खास बात यह है कि आपको यदि जो चारों रचनाएं हैं, ये ए बी सी डी करके जो ये चारों रचनाएं हैं, ये चारों जो रचनाएं हैं, इनमें से यदि आपको एक भी रचना का आता है, लेखक पता है, तो बाकी सब आप आराम से सुमेलित कर लेंगे। इसमें कोई भी कन्फ्यूज उतने नहीं होते। एक या दो, जरूरी नहीं आपको चारों आए तभी आप मैच कर पाए। एक या दो आपको अच्छे से आते हैं तो आप मैच कर लेंगे। अब है स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन। देखिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जो रेड कलर से सब्सक्राइब का जो बटन है उसे ज़रूर दबाएं आप। और आपके जो भी दोस्त हिंदी से किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हों, टीजीटी, पीजीटी या जिसमें हिंदी विषय उन्होंने लिया हो, तो उसके लिए आप उसको शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट में जो आपके विचार हैं वो मुझे बता दें। और जहाँ ऑप्शन ज़रूरी नहीं है मैं वहाँ नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे वीडियो लंबा हो जाता है। और थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ती हूँ ताकि, क्योंकि परीक्षाओं का समय है और आपके पास भी इतना समय नहीं है, तो जल्दी से हमारा ये हो जाए। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। इसलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र्य और चयन की आज़ादी को महत्व मिला है। ये दोनों ही कथन गलत हैं। विवाहवादी के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती, क्योंकि रस स्वयं में विभाव निरपेक्ष होता है। ए सही और आर सही। प्रतिभा के विस्फोट के लिए समावेश की आवश्यकता है, किंतु सारे रसिक कवि नहीं बनते। राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा
को कार्यत्री प्रतिभा कहा है, जो कुछ ही लोगों में होती है। दोनों सही हैं। और ये देखिए काव्य शास्त्र के हैं ये, अगर काव्य शास्त्र ढंग से हमने समझाया तो हम इसे आसानी से कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे अपने आगे। गुण मुख्य रूप से रस के धर्म हैं, पर इन्हें गौण रूप में शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है, क्योंकि गुण का निर्धारण शब्दार्थ से ही होता है। ए सही, आर गलत। कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रूपक अलंकार की बहुलता है। कामायनी को रूपक काव्य कहा जाता है क्योंकि इसमें रूपक, देखिए पहला सही है दूसरा गलत है। रूपक अलंकार की नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बिंब विधान किया, जिस तरीके से उन्होंने वर्णन किया, तो उसमें जो रूपक बांधे उन्होंने जो जो भी है वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है। चलिए इसको जब मैं आपको कामायनी का वो पढ़ाऊंगी उसमें और अच्छे से क्लियर करूंगी कि इसको रूपक काव्य क्यों कहा जाता है। आज हम आगे बढ़ते हैं। अब ये 5 प्रश्न हो गए, उसके बाद 46 से 50 के प्रश्न जो हैं गद्यांश में से पूछे जाते हैं। मैं आपको जल्दी से पढ़ के सुना देती हूँ। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थपरायण लाग कहा करें कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा, पर हृदय नहीं मानता। बार बार अतीत की ओर जाता है, अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति लोक है, जहाँ वह अनेक प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचरता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, अतीत बीच बीच में हमारी आँखें खोलता रहता है। मैं तो समझता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है। आगे तो बार बार खिसकता हुआ दुर्बोध पर्दा रहता है। बीती विसारने वाले आगे की सुधरकने का दावा किया करें, परिणाम अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान को संभालने और आगे की सुधरकने की डंका पीटने वाले संसार में जितने ही अधिक होते जाते हैं, संघ शक्ति के प्रभाव से जीवन की उलझनें उतनी ही बढ़ती जाती हैं। बीती विसारने का अभिप्राय है जीवन की अखंडता व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन। सहृदयता भावुकता का भंग केवल अर्थ की निष्ठुर क्रीड़ा। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकरण है, क्योंकि मनुष्य अतीत जीवी होता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, इसका भाव है हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। अशांति किसका परिणाम है, अतीत की विस्मृति का। केवल अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है, क्योंकि वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती। जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है, अतीत की स्मृति। ठीक है दोस्तों, ये 50 प्रश्न हमने यहाँ सॉल्व कर लिए। अब हम इसका थर्ड पेपर भी सॉल्व करेंगे और वो अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं, उसमें आपका कोई पैसे नहीं लगते, ना आपके सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं, ना लाइक करने के आपके कोई पैसे लगते हैं, और ना ही शेयर करने के पैसे लगते हैं। हाँ, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है, आपके लाइक करने से मोटिवेशन हमें मिलता है, और आपके कमेंट से हम अपनी कमियों को जान पाते हैं। और अभी आप मेरी ये शुरुआत है तो आपके कमेंट्स की मुझे बहुत आवश्यकता है। आप प्लीज़ अपने विचार उसमें रखें कि आपको आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही, या आप क्या, या आपकी कोई जो भी बात आप कहना चाहें, मुझ तक आपकी कोई भी बात इस विषय से संबंधित पहुंचाना चाहें, आप कौन सी परीक्षा दे रहे हैं, कौन सी परीक्षा के आप, या आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आता है जिस पर आप नोट्स चाहते हैं, या मैं उस पर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, तो प्लीज़ 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 बताएँ। और ठीक है, नमस्कार दोस्तों, नमस्ते नमस्ते बोलो, नमस्ते।